ये आरजीएफ ने परंपरागत व्यापार को लेकर बताया। एक कंपनी होती है, कंपनी विज्ञापन करती है, विज्ञापन के बाद कंपनी एजेंट होते हैं, एजेंट के बाद क्षेत्रीय वितरक होते हैं, क्षेत्रीय वितरक के बाद थोक व्यापारी के पास जाती है चीजें, थोक व्यापारी के बाद फुटकर व्यापारी के पास जाती है, और फुटकर व्यापारी के पास बाद उपभोक्ता यानी आपके पास जाती है। मतलब इतने लेवल से चीजें निकलकर आप तक पहुंचती हैं। आरसीएम ने ये लोगों को बताया। अब आरसीएम ने क्या फॉर्मूला दिया वो दिखाएंगे आपको। आरसीएम का फॉर्मूला बताएंगे आपको सीधे। आरसीएम ने केवल दो लोगों को यहां पर रखा। आरसीएम ने कहा कंपनी और उसके ग्राहक भी आप होंगे और वितरक भी आप होंगे। जी हां, कंपनी का कहना था बीच में कोई क्षेत्रीय वितरक नहीं, कोई एजेंट नहीं, एडवर्टीजमेंट पर कोई खर्चा नहीं, कॉस्ट सीधी कम होगी और आपको अपने पैसे का असली वैल्यू द मनी आपको मिलेगा, जो कि परंपरागत व्यापार के चलते आपको नहीं मिल पाता है। 50 रुपए की चीज आपको 100 रुपए मिलती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है। आरसीएम ने परंपरागत व्यापार की जो व्याख्या की और अपना फॉर्मूला, आरसीएम यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, उसका फॉर्मूला दिया। दो लोग होंगे इसमें केवल, कंपनी से प्रोडक्ट निकलेगा आप तक पहुंचेगा और आप ही इसके वितरक भी होंगे, यानी आप इसको यूज भी करेंगे और आप ही इसको वितरित भी करेंगे और इसके जरिए आप करोड़पति भी बनेंगे। हमारे साथ मनचंदा साहब है। मनचंदा साहब, ये आरसीएम का फॉर्मूला, आरसीएम ने पहले बिजनेस का जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसको बताया। ये पैटर्न है, इसके तहत आपको 50 रुपए की चीज 100 रुपए तक पहुंचती है और इस लेवल पर पैसा आपका बढ़ता है। हमारा फॉर्मूला हमसे लीजिए, खुद यूज कीजिए और उसके जरिए करोड़पति भी बनिए। इनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको क्या नजर आता है? देखिए, बिल्कुल साफ से सीधी सी बात है, कंपनी ने सामने वाले को यह बताने की कोशिश की है कि उपभोक्ता भी आप हैं, विक्रेता भी आप हैं। जी, और क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर ये कंपनी है, एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूमर भी आप ही हैं, सेलर भी आप ही हैं। आप ही ने इसको कंज्यूम करना है और आप ही ने आगे इसको सेल भी करना है। बीच की जो चेन है, बिल्कुल सही बात है, कंपनी का फॉर्मूला कोई बुरा फॉर्मूला नहीं है। यहां पर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट को यहां पर कट किया। कंपनी ने यह सपना दिखाया कि आपको एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट जो आ रही है वो हम आपको देंगे और आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका फायदा आप उठाइए, कंपनी उठाए। दूसरा, जो होलसेलर कमीशन यहां पर चार्ज करता है, जो होलसेलर यहां पर अपना प्रॉफिट लेकर के चलता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर जो विक्रेता है वो जो अपना प्रॉफिट यहां पर लेकर के चलता है जी, वो प्रॉफिट आप ही को मैं सीधे सीधे डिलीवर कर देता हूं जी। आप उसको खाइए, आप भी यहां पर कमाइए और रहिए और यहां पर आपको बैठे बिठाए पैसा मिलेगा। और दूसरा, कंपनी को भी लाभ हो रहा है। कंपनी को क्या लाभ हो रहा है, कंपनी की सेल कई गुना यहां पर बढ़ रही। आप देखिए, कंपनी के इस फॉर्मूले से 1,30,00,000 कस्टमर तो कंपनी को मिल ही गए, यानी कि कंपनी को कुल ग्राहक ढूंढने ही नहीं पड़े। लेकिन